पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोक जनशक्ति पार्टी के खेल एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से संस्थाओं को सम्मानित करने का काम किया गया। बुद्ध बाजार स्थित कार्यालय पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सोनकर शर्मा के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मानवता के रक्षक संस्था की संस्थापिका शिल्पी भारद्वाज को सम्मानित किया गया, तो वही मानवता के रक्षक संस्था के महानगर अध्यक्ष हर्षित गुप्ता को सम्मानित किया गया। एकता सेवा समिति ट्रस्ट के अंचित अग्रवाल तथा उम्मीद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष शिल्पी सैनी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कहा गया कि लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा मानवता के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मान देने का कार्य किया गया है, क्योंकि ये वो संघ है जो समाज के लिए कार्य कर रहा है और जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। इसलिए समाज में कार्य कर रही संस्थाओं को लोक जनशक्ति पार्टी खेल एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा सम्मानित किया गया है। राजेंद्र कुमार टंडन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी मजदूर सभा के कार्यालय पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मेघा श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा, दीपाली अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, प्रदीप शंकर शर्मा, राजेंद्र कुमार टंडन, वसीम खान, सार्थक भारद्वाज, सृष्टि अधिकारी, रोहित अग्रवाल, अनुज अग्रवाल सभी का विशेष सहयोग रहा। आज लोक जनशक्ति पार्टी खेल एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदीप शंकर शर्मा की ओर से आज मानवता के रक्षक एनजीओ और एकता सेवा समिति की को हम लोगों ने सम्मानित किया, जिसमें उसकी संस्थापिका, उनके अध्यक्ष, उनके सचिव, इन लोगों को सम्मानित किया है हम लोगों ने। और हमारे यहाँ जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनके हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे माननीय रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी के दिशा निर्देश हैं कि जो संस्थाएं मानवता के लिए और जो संस्थाएं बुजुर्गों के लिए, जो संस्थाएं बच्चों के लिए, जो संस्थाएं पढ़ाई के लिए कार्य कर रही हैं, हम उन लोगों को सम्मानित करें जो कि कोई पार्टी, कोई क्षेत्र, कोई लोग इन संस्थाओं को सम्मानित नहीं करते। और आज हमें गर्व है कि हम इन बच्चों को, इन परिवारों को सम्मानित कर रहे हैं, इनके अध्यक्षों को सम्मानित कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं पूरे देशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की विशेष बधाई देता हूं और सबसे ये विनती करता हूं कि ये सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर इस पर्व को मनाएं। जय हिंद, जय भारत।